वेलकम टू स्टडी वॉच। द लास्ट बारगेन, आखिरी सौदा। ठीक है, लास्ट का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं आखिरी, ठीक, आखिरी। बारगेन का मतलब क्या होता है? सौदा। ठीक है, आखिरी सौदा। ठीक, ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनीड्यू का ये यूनिट नंबर 4 की पोएम है। ठीक, यूनिट नंबर 4 की पोएम है। इसकी स्टोरीज और इसके पहले की पोएम्स कवर कर दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट, सौदा एक समझौता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? समझौता। ठीक, समझौता। सौदा एक समझौता है इन विच, जिसमें बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियाँ, दोनों साइड्स प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करने का वादा करती हैं। प्रॉमिस का मतलब क्या है? वादा करना। फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। सौदा एक समझौता है जिसमें दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करती हैं। ठीक है, समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम तलाश रहा है। ठीक है, लुक फॉर का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं सर्च, ठीक, या फिर ढूंढना। तो समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम ढूंढ रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड। ठीक है, और हायर हो जाने के इंतज़ार में है। ठीक है, कोई उसे काम दे दे, वो इसके इंतज़ार में है। हायर का मतलब क्या है? किसी को कुछ समय के लिए पैसे दे करके या फिर किसी दूसरी चीज़ से अपने काम को करने के लिए रखने को हम हायर कह सकते हैं। ठीक, वो इंतज़ार में है कि कोई उसे हायर कर ले, कोई उसे काम दे दे। ठीक, ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, वह सौदा करता है। स्ट्राइक्स का मतलब क्या है? स्ट्राइक्स अ बार्गेन का मतलब क्या है? वह सौदा करता है। बट लेकिन थिंक्स इट, लेकिन इसे सोचता है वर्थलेस, बेकार। वो इसे लेकिन बाद में बेकार समझता है। वर्थलेस का मतलब क्या है? बेकार, जिसे हम यूजलेस कह सकते हैं। ठीक है, वो सौदा करता है लेकिन सोचता है कि ये बेकार है। ठीक, ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो एक बार फिर से कोशिश करता है। ठीक, ही ट्राइज, ट्राइज का मतलब क्या है? कोशिश करता है। ट्वाइस अगेन, दोबारा फिर से। बट लेकिन डज नॉट लाइक आइदर, लेकिन वो इसे भी पसंद नहीं करता है। ठीक, फाइनली, अंत में। फाइनली का मतलब क्या है? अंत में, इवेंचुअली, आखिरकार। इन द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, जब उसे बिना किसी चीज़ के लिए हायर कर लिया जाता है, जब वो बिना किसी चीज़ के लिए हायर हो जाता है, वट एवर, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। वट एवर का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के लिए, यानी वो किसी चीज़ के लिए हायर नहीं हुआ है, वो किसी बात के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो जो भी होगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वट एवर का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो इतना खुश है जितना वो पहले कभी नहीं था। ठीक है, इस बार्गेनिंग से वो इतना खुश है जितना वो पहले कभी नहीं था। वट इज़ द बार्गेन, बार्गेन क्या है, सौदा क्या है, एंड और वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये सबसे अच्छा सौदा क्यों हुआ। ठीक, ये बार्गेनिंग क्या है और ये सबसे अच्छा क्यों है। ठीक, इस पोएम में हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। कम एंड हायर मी, आइए और मुझे काम पर ले चलिए, आइए मुझे काम दीजिए। हायर का मतलब क्या है? यहाँ पर कह सकते हैं कि काम दीजिए, मुझे काम पर ले चलिए। ठीक, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह थी तब। ठीक है, वाइल का मतलब क्या है? उस समय जब। ठीक, उस समय जब को हम कह सकते हैं, उस समय जब सुबह थी तो मैं चिल्लाया, आइए मुझे काम दीजिए, मुझे काम पर ले चलिए। हायर का मतलब अगर हम यहाँ पर बाई कर दें, ठीक है, आइए मुझे खरीदिए, तो ज़्यादा ये पोएम समझ में आएगी। ठीक, तो कम एंड हायर मी, आइए मुझे खरीदिए, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह का समय था। ठीक, आई वॉज वॉकिंग, मैं टहल रहा था, ऑन द स्टोन पेव रोड, पत्थर के बने सड़क पर मैं टहल रहा था। जब मैं पत्थर के बने सड़क पर टहल रहा था तो मैं चिल्लाया कि आइए मुझे खरीदिए। ठीक, स्वॉर्ड इन हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट, स्वॉर्ड इन हैंड, अपने हाथों में तलवार लिए, द किंग केम, राजा आया, राजा अपने हाथों में तलवार लिए आया, इन हिज चैरियट, अपने रथ पर। चैरियट का मतलब क्या है? रथ, ठीक, जैसा हम जानते हैं। और स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। ठीक, अपनी तलवार लिए, अपने हाथ में राजा अपने रथ पर आया।
ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ठीक है, हेल्ड का मतलब क्या है, होल्ड का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, जिसे कह सकते हैं पकड़ना। तो ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड सेड, और कहा आई हायर यू, मैं तुम्हें खरीदूंगा। ठीक, यहाँ पर उतना अप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन इस पोएम को समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें काम पर ले चलूँगा, मैं तुम्हें तुमसे अपना काम लूँगा। ठीक है, विथ माई पावर, अपनी शक्ति से, मैं अपनी शक्ति से, अपनी पावर से मैं तुम्हें हायर करूँगा। ठीक, बट His power counted for naught, लेकिन उसकी शक्ति, but his power, लेकिन उसकी शक्ति counted for nothing, वो किसी काम की नहीं थी। ठीक है, not का मतलब हम क्या कह सकते हैं, nothing। ठीक है, counted for nothing, उसकी कोई गिनती नहीं थी। not का मतलब zero भी होता है, ठीक, zero को भी not कहते हैं। तो उसकी गिनती zero में थी, यानी वो किसी काम का नहीं था, वो बेकार थी। And और he went away in his chariot, और वो अपने रथ में चला गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की गर्मी में, द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, घरों के दरवाजे बंद थे। ठीक है, स्टूड का मतलब यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, वर। ठीक है, थे, हाउसेज वर, घर थे, विथ शट डोर्स, बंद दरवाजों वाले। ठीक है, बंद दरवाजों वाले घर थे। कब, मिड डे, इन द हीट, दोपहर में, गर्मी के समय। ठीक है, जब बच्चा चिल्ला रहा था सुबह, तो वो सुबह का समय था। ठीक है, और अब दोपहर हो गई और जो सारे घर थे उनके दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, आई वंडर्ड, मैं घूमता रहा। वंडर्ड का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वंडर का मतलब होता है वॉक्ड एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के साथ घूमना। तो आई वंडर अलोंग, मैं घूमता रहा अलोंग द क्रूक्ड लेन, उन टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर। लेन का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, रास्ता। मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते पर मैं घूमता रहा, मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमता रहा। एन ओल्ड मैन केम आउट, एक बूढ़ा आदमी आया, विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, सोने से भरे बैग के साथ, वो अपने सोने से भरे बैग के साथ वो बूढ़ा आदमी आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने सोचा और कहा। पॉन्डर्ड का मतलब क्या है, सोचा। ठीक, थॉट जिसे हम कह सकते हैं, उसने सोचा एंड सेड, और उसने कहा आई हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगा, विथ माई मनी, अपने पैसे से, मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर करूंगा। ही वेटेड हिज क्वाइंस वन बाई वन, उसने अपने सिक्के एक एक करके तौले। ठीक है, वेटेड का मतलब क्या है, तौलना। ठीक है, वेट का मतलब होता है तौलना, वेटेड है तो तौला। तो ही वेटेड हिज क्वाइंस वन बाई वन, उसने एक एक करके अपने सिक्के तौले। बट लेकिन आई टर्न अवे, लेकिन मैं मुड़ गया, यानी आई टर्न अवे, मैंने ये पेशकश, मैंने ये सौदा ठुकरा दिया। ठीक है, टर्न अवे का मतलब मैं इस पर राजी नहीं हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई थी, द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्ला, और जो गार्डन का हेज था, जो गार्डन की बागीचे की बाड़ थी, उस पर फूल खिले हुए थे। ठीक है, हेज का मतलब क्या है, बाड़, जिससे बचाया जाता है बागीचे को या फिर फार्म को, चारों तरफ से घेर करके उसे बाड़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर कोई फार्म है, ठीक है, कोई खेत है, या फिर ये गार्डन है, बागीचा है, तो इसके किनारे किनारे जो लकड़ियाँ या बांस या फिर दूसरी चीज़ें ऐसे लगी होती हैं, उसका बनाया जाता है इसको बचाने के लिए, कवर करने के लिए, कि इसमें कोई जानवर ना आए, तो उसे हम कहते हैं हेज। ठीक है, तो कहते हैं तो द गार्डन हेज, जो गार्डन हेज है, वॉज ऑल ए फ्लावर, उस पर फूल उगे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर गार्डन में भी और गार्डन के हेज पर भी फूल उगे हुए थे। द फेयर मेड केम आउट, सुंदर नौकरानी, मेड का मतलब क्या है यहाँ पर, नौकरानी। ठीक, नौकरानी, सुंदर नौकरानी, फेयर को हम कह सकते हैं सुंदर। ठीक है, जो दिखने में सुंदर लगे उसे कह सकते हैं फेयर। तो फेयर मेड केम आउट, सुंदर नौकरानी बाहर आई एंड सेड, और उसने कहा आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगी विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट से, मैं तुम्हें एक मुस्कुराहट से हायर करूंगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ठीक है, पेल्ड का मतलब क्या है, फीका पड़ना। ठीक, पेल्ड का मतलब होता है फीका पड़ना। ठीक है, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई एंड और मेल्टेड इंटू टीयर्स, और वो आंसुओं में पिघल गई। मेल्टेड का मतलब क्या है, पिघलना। ठीक है, वो पिघल गई, इंटू टीयर्स का मतलब आंसुओं में, और वो आंसुओं में पिघल गई। एंड और शी वेंट बैक अलोन
इनटू द डार्क। शी वेंट बैक, वो वापस चली गई अलोन, अकेले, इनटू द डार्क, उस अंधेरे में। फिर वो अकेले उस अंधेरे में वापस चली गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द सन ग्लिसेंड ऑन सैंड, सूरज रेत पर चमकने लगा। सैंड का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या है, रेत, जिसे बालू कहते हैं। ठीक है, ग्लिसेंड का मतलब चमकने लगा। एंड और द सी वेव्स ब्रोक वे वाटली, और जो समुद्र की लहरें हैं, वेव्स का मतलब क्या है जैसा हम जानते हैं, लहरें, सी का मतलब समुद्र, जो सागर की लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, ब्रोक वे वाटली, वो अनकंट्रोलेबली वो टकरा रही थी किनारों से। ठीक है, ब्रोक वे वाटली का मतलब क्या है, अनकंट्रोलेबली, ठीक है, बिना किसी नियंत्रण के वो बहुत ही तेज़ी से समुद्र के किनारे ये लहरें टकरा रही थी। ठीक, अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, एक बच्चा, चाइल्ड सैट का मतलब एक बच्चा बैठा, प्लेइंग विथ शेल्स, शंख के साथ खेल रहा था। ठीक है, एक बच्चा बैठा वहाँ पर शंख के साथ खेल रहा था, शेल का मतलब जैसा हम जानते हैं शंख, ठीक, खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। ठीक है, रेज्ड का मतलब क्या, उठाया, ही सेड अपना सर उठाया, एंड सीम टू नो मी, ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है, सीम का मतलब लगना, टू नो मी, ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है, एंड सेड, और उसने कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें किसी चीज़ से भी नहीं हायर करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं तुम्हें हायर करता हूँ। ठीक, वो उससे ऐसा कहता है। तो हम ऊपर देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बच्चा शेल्स के साथ खेल रहा है। ठीक है, ये लहरें जोर मार रही हैं। ठीक, जिसमें वे वाडली हमने कहा था, ब्रोक वे वाडली, ये टकरा रही हैं आकर के किनारों से। और ये आदमी जो इसमें नरेटर है, जो इस पोइट का कहने वाला है, इस बात को कह रहा है, वो यहाँ पर ये बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बच्चा शेल के साथ खेल रहा है, यही, ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए शंख जैसी जो बनी है, ये शेल है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, वो कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें कि बिना किसी चीज़ से ही मैं तुम्हें हायर करता हूँ। ठीक है, फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, तब से। ठीक है, हैंस फॉरवर्ड का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं हैंस फॉरवर्ड का मतलब होता है नाउ। ठीक है, अब, तो फ्रॉम नाउ, अब से, दैट बार्गेन स्ट्रक, वो सौदा पक्का हुआ, वो सौदा मुझे जम गया, वो सौदा मुझे अच्छा लगा। इन चाइल्ड्स प्ले, बच्चे के खेल में, मेड मी अ फ्री मैन, उसने मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया। ठीक, उस बच्चे के खेल में मैं एक आज़ाद आदमी बन गया। ठीक, अगर वो राजा की बात मान लेता, राजा से बार्गेन कर लेता, तो वो उसके शक्तियों का गुलाम हो जाता। अगर वो उस सोने से भरे बैग वाले आदमी की बात मान लेता, तो वो उसके धन का गुलाम हो जाता। अगर वो उस औरत, उस लेडी की बात मान लेता, तब वो उस मुस्कुराहट का गुलाम हो जाता। तो इसलिए उसने इस नथिंग पर उसने अपना बार्गेन सेट किया, स्ट्रक किया, उसने अपना सौदा तय किया कि वो किसी चीज़ का गुलाम नहीं है, अब उस बच्चे के साथ वो बिल्कुल एकदम आज़ाद आदमी बन गया है। ठीक है, ये पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी, बहुत ही अच्छी पोएम थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।